या फिर आप कहते हैं कि सर हमने प्रोटीन सप्लीमेंट मंगा लिया है, दो दिन सिर्फ यूज किया है, अब हमको कहीं जाना पड़ रहा है, क्या हम उसे दो महीने बाद यूज कर पाएंगे, क्या हम BCAA को ऐसा कर सकते हैं, मास गेनर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए सप्लीमेंट खरीदने से पहले। दोस्तों एक सवाल आपका अक्सर मेरे पास आता है, वो होता है कि सर हमने प्रोटीन सप्लीमेंट मंगाया था, हमने वो थोड़ा सा यूज़ किया था, बट किसी कारण से वो हमको रखना पड़ गया या हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई, अब हम दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप कहते हैं कि सर हमने प्रोटीन सप्लीमेंट मंगा लिया है, दो दिन सिर्फ यूज़ किया है, अब हमको कहीं जाना पड़ रहा है, क्या हम उसे दो महीने बाद यूज़ कर पाएंगे, क्या हम BCAA को ऐसा कर सकते हैं, मास गेनर। बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके ऑलमोस्ट सभी सप्लीमेंट्स को लेकर, चाहे वो गेनर है, प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामीन, कुछ भी हो वो। तो आज मैं इस वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप सप्लीमेंट मंगाएं तो पहले ही आप डिसाइड कर लें कि आपको एक स्पेसिफिक गोल पे जाना है, जिसको अचीव करना है, जिसके लिए आपने सप्लीमेंट मंगाया है, तो आप उसे अच्छे से फॉलो भी कर पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं कि 15 दिन आपने सप्लीमेंट लिया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, जो 15 दिन लिया है ना वो भी आपने वेस्ट ही कर दिया है। तो सप्लीमेंट का मतलब यही होता है कि आप डाइट पे भी फोकस रखें और अपने फिजिकल गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप वो सप्लीमेंट रेगुलर यूज करें, तभी वो रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये हो गई पहली बात। अब बात करते हैं कि चलो काफी बार इमरजेंसी कोई काम पड़ जाता है या फिर कुछ भी आपके साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको वो सप्लीमेंट जो है बंद करना पड़े। दोस्तों अगर आपने वो सप्लीमेंट मंगाया है और उसे 10-12 दिन यूज़ करके उसे आप रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको उसे यूज़ करके रख सकते हैं, बट दोस्तों आपको वो अच्छे से, एक तो कंटेनर जो है वो टाइट करके रखना है बंद, दूसरा आप उसे ऐसी जगह रखें, नॉर्मली कहीं ऐसे ही नहीं कि जैसे रसोई में रख दिया या कहीं भी, आप उसे अपनी अलमारी में रख लें जहां पर कोई सीलन वगैरह ना हो, ऐसी जगह आप उसे अगर रखेंगे तो दोस्तों वो आपका खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, ये चीज़ हमेशा ध्यान। दोस्तों अगर आपने मास गेनर मंगाया है, अगर वो कंटेनर में है, बॉक्स में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम उसे प्रोसेस कीजिए कि जितना यूज कर लिया ठीक है, उसके बाद आप उसे अच्छे से टाइट करके रखें। अब बात आती है कि कितने दिन तक आप उसे रख सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, एक बार ओपन होने के बाद में उनको 2-3 महीने के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। और काफी सप्लीमेंट तो ऐसे आते हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है कि इसको आप ओपन करने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही यूज कर लें, बट दोस्तों नॉर्मली 2-3 महीने तक अगर आप उसे यूज मतलब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है, बस कंटेनर अच्छे से पैक होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि कंटेनर जो है आपका अलमारी में हो, कभी भी कंटेनर को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में जो कि डायरेक्ट सनलाइट में ख़राब भी हो सकते हैं, और इसलिए आपने अगर मोस्टली प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो वो ब्लैक कंटेनर में आते हैं या फिर किसी कलर्ड कंटेनर में आते हैं, ताकि अगर उन पर सनलाइट आए भी तो भी वो जो है फिल्टर होके आए या ना पहुँच पाए, इस तरीके का टारगेट होता है। दोस्तों इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट में ना होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। और दोस्तों आप एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखेंगे कि मास गेनर अगर आपने बड़ी पैकिंग मंगाई है तो अगर वो जो है मोस्टली पैकेट में आती है, तो पैकेट अगर आपने ओपन कर लिया है और उसके बाद अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको वो कंटेनर में रखना है, किसी एयर टाइट में आपको जो है उसको रख लें और उसके बाद उसको बंद करके यही प्रोसेस फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है, तो वो जो है आपका 2-3-4 महीने तक ख़राब नहीं होगा और आपको वो जल्दी से जल्दी यूज कर लेना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्री वर्कआउट्स और BCAA, कुछ ऐसे ये सप्लीमेंट्स होते हैं। दोस्तों इनको आप लंबा ना रखें, क्योंकि दोस्तों प्री वर्कआउट्स और BCAA इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हवा के कांटेक्ट में आने के बाद में खराब होने लगते हैं या फिर जमने लगते हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो प्री वर्कआउट्स और BCAA में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जब तक यूज कर लिया आपने तो ठीक है, अगर वो नहीं यूज कर पाए आप तो उसमें गांठें बनने लगती हैं, तो उसका यही कारण होता है कि वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आने से खराब होने लगते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप प्री वर्कआउट BCAA ले रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो आप उसको विदिन 1 month जितनी भी उसका टाइम पीरियड है उसमें खत्म कर लें। एक आध महीना अगर ऊपर नीचे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्री वर्कआउट आपने मंगाया है 30 दिन वाला, अगर आप उसे जो है 1 महीने से ज्यादा 1.5 महीने 2 महीने तक भी यूज करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट लंबे टाइम पीरियड के लिए आप उनको ना रखें। अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्री वर्कआउट या BCAA आपके पास तो आप उसे बजाय रखने के वो खराब हो जाए तो किसी फ्रेंड को दे दें ताकि वो उसे यूज कर सके।
तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा प्री वर्कआउट और BCAA जो पाउडर जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें। बाकी प्रोटीन और गेनर्स को आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो एक और बात मैं इसमें एड ऑन करूंगा, वो ये कि आप अक्सर कहते हैं कि सर अगर हम उसको 2-3 महीने बाद यूज करेंगे तो रिजल्ट में कोई कमी होगी या फिर मतलब कहीं ऐसा तो नहीं उससे रिजल्ट कम आएंगे इस टाइप में। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उससे रिजल्ट कम आएंगे ज्यादा आएंगे, जैसे रिजल्ट आने चाहिए वैसे ही आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट विला दी बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई भी ओरिजिनल सप्लीमेंट अगर मंगाना चाहते हैं तो सप्लीमेंट विला पर ऑर्डर डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछो, हम रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई सप्लीमेंट के साथ या किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।